सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं भी एक जो है स्टूडेंट हूं और मैंने भी इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन किया है, मुझे भी मेरिट लिस्ट का इंतजार है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप लोग पढ़े लिखे होकर भी मेरिट लिस्ट को देखने के लिए बेवकूफों जैसी हरकत कर रहे हो। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हो और ये गलती आपको क्यों नहीं करना चाहिए और फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने भी क्लास 10th पास किया है और जो है यानी कि फर्स्ट डिवीजन किया है, तो मैंने भी इंटर की ऑनलाइन के लिए अप्लाई किया है। तो यानी कि मैं जो है मेरा भी मेरिट लिस्ट तो आएगा, जिस तरह आप लोगों को मेरिट लिस्ट का इंतजार है तो उसी तरह मुझे भी इंतजार है। लेकिन जब आप जो है आज हमने YouTube पर जैसे लिखा कि इंटर एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2021, तो वहां पर मैंने काफी सारी वीडियो को देखा, उसमें लिखा हुआ है कि कल 4 बजे पक्का। तो इस तरह से काफी सारे अट्रैक्टिव कीवर्ड डालकर थंबनेल बनाया हुआ है, जैसे कि थंबनेल को देखकर जो है स्टूडेंट क्लिक कर दे। ऐसे ऐसे थंबनेल बनाते हैं यूट्यूबर्स, लेकिन वीडियो देखने के बाद भी कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, यानी कि वीडियो देखने के बाद भी कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, ना ही मेरिट लिस्ट की सही जानकारी मिल पाती है और ना ही मेरिट लिस्ट कब आएगा इसके बारे में पता चलता है। सिर्फ वीडियो को देखना पड़ता है, बिल्कुल फालतू की बकवास सुनना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में बकवास नहीं, हम आपको सच्चाई बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। देखिए, कभी भी आप इस तरह जो है यूट्यूब पर इस तरह के कीवर्ड सर्च मत करिए। देखिए, मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब जारी होगा आप खुद से चेक कर पाओगे, सबसे पहले आप देख पाओगे। तो कैसे चेक करना है इसके बारे में हम मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर बताएंगे। तो देखिए, हम आपको जो जब ये ट्रिक बता देंगे, ठीक है, जब ये ट्रिक हम आपको बता देंगे तो आप आसानी से उस वेबसाइट पर जाओगे और सिर्फ एक ही क्लिक में जो है आप चेक कर पाओगे कि फर्स्ट जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ है या नहीं। आपको यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो वो तो हम बाद में जानेंगे। लेकिन सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि आप जो YouTube पर इस तरह के कीवर्ड सर्च करते हो और वीडियो को देखते हो, इससे आपको कोई भी फायदा तो नहीं होता होगा। रियल है कि इससे कोई बेनिफिट नहीं होता होगा। मैंने भी आज एक वीडियो देखा तो उसमें सिर्फ बकवास हो रहा है। थंबनेल में तो लिख रहा है कि आज जो है 4 बजे जारी होगा, लेकिन वीडियो को जब हम ओपन करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, तो उसमें कोई भी काम की जानकारी नहीं मिलती है। सिर्फ अपनी वेबसाइट में लेकर जाते हैं ताकि वेबसाइट की जो ऑडियंस है वो बढ़े और वेबसाइट की अर्निंग हो, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा काम आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आपको भी इंटर एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतजार है तो उसके लिए आप OFSS.in वेबसाइट को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, क्रोम ब्राउजर पर सर्च कर सकते हैं। इसकी मदद से आप जो है यानी कि इस वेबसाइट में जाने के बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर जो 2020 का कट ऑफ है उसकी जगह 2021 का कट ऑफ, प्रथम चयन सूची या द्वितीय चयन सूची, तीसरी चयन सूची, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यही सबसे बड़ा जो है यानी कि प्रमाण है। आप OFSS.in की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। और इस वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं OFSS.bihar.in। इसको लिख कर सर्च करने पर आप OFSS की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहां पर जब वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर आपको 2020 का कट ऑफ दिखेगा या फिर 2021 का। 2021 का जारी होगा तो वहां पर आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम जो है हम आपको जो बता रहे हैं ये हम मोबाइल में ही बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने भी इसका ऑनलाइन किया है, मुझे भी मेरिट लिस्ट का इंतजार है, लेकिन मैं इस तरह से यूट्यूब पर नहीं जाता। लेकिन आज बाय चांस मैंने यूट्यूब पर गया, वहां पर देखा, तो वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट पढ़ा लिखा होता है। ऐसे में स्टूडेंट को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन हमें जहां मिलती है वहां पर हमें जाना चाहिए। तो सही इन्फॉर्मेशन आपको OFSS.bihar.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मोबाइल में हमें किस तरह से जो है OFSS.bihar.in की वेबसाइट पर जाना है, कैसे देखना है, कहां पर हमें लिस्ट मिलेगा। जब भी जारी होगा तो लिस्ट आपको उसी वेबसाइट पर मिलेगा। और एक बात, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद 10 अगस्त तक टाइम दिया गया था जो एडमिशन के लिए ऑनलाइन करेगा करेगा, नहीं तो
जो तारीख है उसे उसका विस्तार नहीं किया जाएगा, यानी कि डेट को आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। तो ज्यादा चांसेस है कि एक हफ्ता के अंदर हम लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि जब मेरिट लिस्ट जारी होगा तो उसे हम कहां पर चेक कर पाएंगे। चलिए देखते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। देखिए, उसके लिए सिंपली से आपको क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद यहां पर आप सर्च कीजिए OFSS बिहार। ठीक है, आप लिखेंगे OFSSBihar.in। जैसे ही आप इसको लिख करके सर्च करेंगे तो आप OFSS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो OFSS की वेबसाइट है, वो ओपन हो जाएगी। और ये रहा आपके सामने वेबसाइट, इसको ऊपर करेंगे। ऊपर करने के बाद ये जो तीन सूची आपको दिख रहा है, देखिए सूचनाएँ के नीचे साल 2020 के अलग अलग स्कूल कॉलेज के प्रथम चयन सूची, उसके बाद साल 2020 के अलग अलग दूसरी चयन सूची, तीसरी चयन सूची, यानी कि ये तीनों जो सूची दिख रहा है, ठीक है, यहीं पर 2021 का जो लिस्ट जारी होगा देखने को मिल जाएगा आपको। जब 2021 का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा तो ये हट जाएगा यहाँ से और 2021 वाला यहाँ पर आ जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप चेक कर पाओगे कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन होना है। ठीक है, तो ये इंतज़ार सभी छात्रों को है, इसलिए इंतज़ार अगर आप करते हो तो आप इंतज़ार कर सही से करिए, लेकिन YouTube पर जाकर आप बेफालतू की वीडियो मत देखिए। अगर आपको इसके बारे में जानना ही है तो आप इसी वेबसाइट को विजिट कीजिए। वेबसाइट को विजिट करने के बाद ऊपर स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर जो है देख लीजिए कि 2021 का जो प्रथम चयन सूची, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, वो जारी हुआ है या नहीं, इसका अंदाज़ा आपको खुद हो जाएगा, इसका पता आप खुद लगा पाओगे। बेफालतू की वीडियो देखने से आप इस तरह से बच जाओगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लेना। थैंक यू।